नमस्कार, हाजिर है हम एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज के ऑनलाइन न्यूज चैनल में। मैं हूं सचिन दीक्षित। हर बार की तरह इस बार भी एक नई खबर और नई खोज के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं ये रिपोर्ट, क्योंकि एक खबर जो पूरे देश में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना और वो है कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में उस किशोरी का आरोप। जिस किशोरी ने आरोप लगाया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया और पूरे देश में ये चर्चा राष्ट्रीय हो गई और सारी खबर दब गई। इस खबर को उछाल दिया गया ऐसे जैसे मानो देश की मीडिया ही बन गई हो जज, देश की मीडिया ही बन गई हो न्यायालय। खैर, इन सब विषय पर इन सब पूरे देश में जहां एक तरफ इस चर्चा का विषय बहुत गंभीर है तो वहीं दूसरी ओर उन्नाव जनपद की जनता अपने विधायक को यानी बांगरमऊ क्षेत्र से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और भगवान नगर से विधायक पूर्व रहे, सदर उन्नाव से विधायक पूर्व में भी रहे और इस समय बांगरमऊ से हैं, उनको निर्दोष बताने में जनता अपनी मांग कर रही है कि मेरा विधायक निर्दोष है, हमारा विधायक निर्दोष है और उन्होंने चलाई अपनी पदयात्रा, अपनी बात। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आए उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में पूरे जिले में लोग शांति मार्च निकाल रहे। शांति मार्च में शामिल लोग विधायक के ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश करार दे रहे। लोगों का कहना है कि राजनीतिक द्वेष व पारिवारिक रंजिश की वजह से विधायक को फंसाया जा रहा है। सोमवार को विधायक के समर्थन में जिले के कई इलाकों में लोगों ने शांति मार्च निकाला। इस जुलूस में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहे। बांगरमऊ, सफीपुर, बेगापुर समेत अन्य इलाकों में निकाले गए जुलूस में लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर बैठा, इसमें लिखा था हमारा विधायक निर्दोष है। विधायक बांगरमऊ से विधायक तो कुलदीप सिंह सेंगर है ही साक्षात। बांगरमऊ में जिला पंचायत सदस्य राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में गंज मुरादाबाद में एक जुलूस निकाला गया, इसमें जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि विधायक निर्दोष है, उनके खिलाफ प्राथमिकी साजिश हो रही है। उन्होंने सीबीआई और सरकार से पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच गुहार भी लगी। इसी तरह सभी ग्रुप में भी लोगों ने विधायक के समर्थन के उतरे और नगर पंचायत अध्यक्ष अनुज कुमार दीक्षित के नेतृत्व में कई जनप्रतिनिधियों समेत क्षेत्रीय लोगों ने शांति मार्च में हिस्सा लिया। जुलूस में शामिल लोगों का कहना है कि आज से पहले विधायक के ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा, यह विधायक के खिलाफ एक साजिश है जिसकी जांच हो रही है। गौरतलब है कि किशोरी से दुष्कर्म और फिर उसके पिता की हत्या के आरोप विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह, चयोगी शशि सिंह समेत अन्य आरोपी जेल में है। सीबीआई अपनी प्रारंभिक जाँच कर चुकी है और जल्द ही इसे कोर्ट में पेश कर। लेकिन इस सब के बीच में एक बात तो साफ है कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में जनता का सड़क पर उतरना और जनता का ये सड़क पर उतरते हुए कहना कि हमारा विधायक निर्दोष। इन सब बातों से एक बात तो साफ होती है कि कुलदीप सिंह सेंगर की लोकप्रियता आज की जनता के किसी प्रकार से विराज। लेकिन इसके अलावा भी एक बात दूसरी और है कि भारतीय मीडिया जिस प्रकार से किसी भी आरोप उससे होने से पहले किसी व्यक्ति पर बलात्कार या आज शब्दों का प्रयोग करके सीधे उस पर आरोप लगा रहे हैं या सीधे उसे उस आरोप को सिद्धांतात्मक तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं उच्चतम न्यायालय देश का संविधान, देश का तंत्र, इसकी बात की आजादी की बात की आजादी तो देता है, लेकिन किसी पर आरोप और उसे सत्य करने के लिए न्याय है, न्यायालय है, न्याय जांच प्रणाली है, सीबीआई इतनी बड़ी से के रूप में जांच प्रणालियां हैं उसको अपना काम कर लेकिन इस सब के बीच में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय मीडिया कहीं ना कहीं निर्णय लेने में बहुत आगे निकल जाती है और ये कहीं ना कहीं गलत है। ये भारतीय संविधान उच्च है, भारतीय संविधान सबसे आगे है, पहले उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात मानी जाए। संविधान अपना काम करेगा, सीबीआई अपना काम कर रही है, क्यों हम किसी के मानवीय जीवन को इस तरह उछालें कि उसके जीवन में भूचाल आ जाए, उसके जीवन की वास्तविक अभिव्यक्ति टूटती नजर आए, उसकी पत्नी बिखरती नजर आए और बिटिया परेशान होती नजर आए।
सामाजिक सरोकार जो है उसका, वो टूटता और बिखरता नजर आया, और इन सब का कारण से देख वह भारतीय मीडिया। मानता हूँ किशोरी के साथ में, किसी भी भारतीय महिला के साथ या किसी भारतीय लड़की के साथ में अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो गलत है, और गलत का परिणाम गलत ही होना चाहिए। बीते दिनों भी एक एक्ट बना, पास्को एक्ट, जिसमें फांसी की सजा 12 साल की उम्र से कम नाबालिग लड़की के साथ अगर रेप होगा तो फांसी की सजा है। ये बात भी ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं, और उस बात की चर्चा या उस बात की जांच सीबीआई या भारत की बड़ी एजेंसियां कर रही है, तो हमें निर्णय लेने का कौन सा अधिकार है? खैर, भारतीय सीबीआई अपना काम कर रही है और सब अपना काम कर रहे हैं, देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में एक नजर आ चुका है।